passing out or welcome to Fly Rajputs towards infinity. Mechanical engineering lecture series mein production process ka third question, what are line standards and end standards? Okay, in the line standard, the unit of length is defined as the distance between two engraved lines, and in the end standard, the distance is measured between two surfaces. Okay, so international standard meter and imperial standard yard are the example of line standards, and slip gauges and length bars, they are the example of end standards. Okay, so a line standard mein basically kya hota hai, jab aap do lines ke beech ki distance ko measure karte ho, wo hota hai line standard. जैसे कि स्टील रूल जो स्केल आप यूज़ करते हो, उसमें लाइंस के बीच में आप डिस्टेंस मेजर करते हो, एक लाइन 0 पे है, देन एक लाइन 10.1 पे, तो डिस्टेंस मेजर्ड इज 10.1. ओके, सो दिस इज हाउ यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. तो ये होता है लाइन स्टैंडर्ड, जो बेसिकली सभी जगह पर यूज़ होता है, वाइडली ये यूज़ होता है, बट इसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है. तो इसे ओवरकम करने के लिए एंड स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर यूज होते हैं एंड स्टैंडर्ड्स, जहाँ पर लेंथ बार्स लाइक स्लिप गेजेस, गोनोगो गेजेस, ऐसी चीज़ें यूज होती है, क्योंकि उसमें जो लेंथ मेजर हो रही है, जो डिस्टेंस मेजर हो रही है, वो होती है सर्फेसेस के बीच में. किसी भी बार को इस तरह से रख दिया जाता है, उसकी इस सर्फेस और इस सर्फेस के बीच की डिस्टेंस सर्फेस टू सर्फेस कॉन्टेक्ट करके मैच की जाती है, मेजर की जाती है. ओके, बट दोनों के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. जो एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सरफेस के थ्रू कांटेक्ट में आते हैं, तो वेयर आउट जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में आ रही है तो उसकी एक्यूरेसी कुछ समय के बाद कम हो जाती है, बट बेसिकली इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है लाइन स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में. बट लाइन स्टैंडर्ड्स होते हैं लेस एक्यूरेट होते हैं, बट कन्वीनियंटली यूज़ किए जा सकते हैं. जैसे स्केल होता है, आप इजीली कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स उनके होते हैं. एंड स्टैंडर्ड्स के यूजर्स कम होते हैं, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, उन्हें कैरी करना कम होता है. सॉरी, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, दिस इज एन एडवांटेज, बट उनको कैरी करना, उनको सेफली रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है. ओके, सो लेट अस डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन स्टैंडर्ड्स एंड एंड स्टैंडर्ड्स. लाइन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो क्लोज टॉलरेंस वाली जगह पर आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. यहाँ पे टॉलरेंस बहुत कम होता है, वहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए एंड स्टैंडर्ड्स. ओके, हियर आर सम डिफरेंस बिटवीन लाइन स्टैंडर्ड्स एंड एंड स्टैंडर्ड्स. लाइन स्टैंडर्ड्स आर लेस एक्यूरेट, बट द एंड स्टैंडर्ड्स आर मोर एक्यूरेट. दे आर मोस्टली यूज वेयर हाई रेट ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड. लाइन स्टैंडर्ड्स आर इजी टू यूज, बट एंड स्टैंडर्ड्स आर नॉट इजी टू यूज बिकॉज दे आर टाइम कंज्यूमिंग. लाइन स्टैंडर्ड्स subjected to parallel effect, and standards are not subjected to parallel effects. Line standards के अंदर जो होता है wear out होने के chances कम होते हैं, because surface contact नहीं है, और end standards जो होते हैं उनके surface contact की वजह से wear out होने के chances ज़्यादा होते हैं. Okay, तो ये थे line standards and end standards. Hope you liked it. If you liked it, click on the like button, do share this video to all your colleagues, and don't forget to subscribe to our channel. और कोई भी और क्वेश्चन आप कवर करना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई और वाइवर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को जरूर कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.